सो हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सभी? होप करता हूँ सारे बंदे अच्छे होंगे। तो भाई लोग, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कन्फर्म टू नाइट अपडेट के बारे में, और साथ में बात करेंगे कुछ न्यू अपकमिंग इवेंट्स एंड अपडेट्स के बारे में जो आज रात 12 बजे के बाद अपने फ्री फायर गेम में आप सभी को कन्फर्म देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस, वीडियो को पूरा टिल एंड तक वॉच करना, क्योंकि आप सभी को कन्फर्म टू नाइट अपडेट बताऊंगा। जादूगर है क्या? तेरे घर पे जादूगर आया था? सो गाइस, वैसे जादूगर तो कोई नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे इवेंट्स भी मैंने इसमें कवर किए हैं जो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तो गाइस, वीडियो को पूरा टिल एंड तक वॉच कर लेना, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में मैंने कुछ न्यू ट्राई करने का कोशिश किया है, और होप करता हूँ आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। और आज का लाइक एम टारगेट है 251 लाइक्स का, तो होप करता हूँ आप सभी जल्दी से इसे कंप्लीट करा दोगे। और भाई लोग, अगर आप चैनल पर न्यू हो या आप हमारी वीडियो को आज पहली बार देख रहे हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी याद से कर लेना, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट लाते हैं जो आपको हमेशा काम आए, ठीक है। तो चैनल को याद से भी सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स बिगिन। तो भाई लोग, सबसे पहले अपना इवेंट निकल के आता है विंटर कैलेंडर से रिलेटेड। आप सभी को कल या परसों में ये वाला मतलब हैट देखने को मिल जाएगा फ्री में बिल्कुल। तो आपको कुछ मिशंस कंप्लीट करने हैं, आप सभी को जैसा पता है। तो यह हैट कुछ इस टाइप से लगने वाला है। आप सभी को पता है विंटर आ चुकी है, तो विंटर में हैट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो ठंड लग जाएगी। तो गाइस, आप कमेंट करके ज़रूर से बताना आप सभी को ये वाली हैट की स्किन कैसी लगी, और ये जो हैट है वो आपका जो हेलमेट होता है उसे भी हाइड कर देगी। तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताना आपको ये वाली हैट कैसी लग रही है, और आप इसका यूज़ करोगे गेम में कि नहीं करोगे। तो गाइस, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट की तरफ। तो अपना नेक्स्ट इवेंट निकाल के आता है कि अपने गेम में एक न्यू बंडल आने वाला है, तो ये उसका लुक कुछ इस टाइप से लगने वाला है। तो गाइस, आप कमेंट करके ज़रूर से बताना कि ये आपको कैसा लग रहा है। तो शायद ही आप सभी को डायमंड रॉयल में देखने को मिल सकता है, क्योंकि गाइस अभी डायमंड रॉयल न्यू आया है लड़की वाला, और लड़की वाले के बाद आपको शायद ये वाला देखने को मिल सकता है। तो भाई लोग, यहाँ पे देख सकते हो कितना ओपी वाला बंडल बनाया गया है। यहाँ पे सारी चीज़ें परफेक्ट बनाई गई है। साथ में अगर आप स्कार्फ पहनने के शौकीन हो, तो यहाँ पे आप सभी को स्कार्फ भी देखने को मिल जाएगा। तो मतलब अगर आपके पास डायमंड रॉयल बचे हैं, तो शायद से ये डायमंड रॉयल में आ सकता है। और मतलब ये बहुत ही ज़्यादा रेयर लग रहा है, मेरे को तो लगता है ये स्टोर में या किसी भी मतलब फेडेड व्हील में देखने को मिलेगा। वैसे डायमंड रॉयल में इतना अच्छा बंडल कभी भी नहीं आता है। तो गाइस, आप बताना अपनी राय, आपकी राय क्या है, ये डायमंड रॉयल में आ सकता है कि नहीं आ सकता। भाई लोग, अपना नेक्स्ट इवेंट निकल के आता है वन पंच मैन से रिलेटेड। आप सभी को जैसे कि पता है कि फ्री फायर कर रहा है वन पंच मैन से कोलैबोरेशन, तो आप सभी को पता है कि उससे बहुत सारे इवेंट आएंगे वन पंच मैन से रिलेटेड, जैसे कोरोना इवेंट आया था। तो गाइस, इसमें आप सभी को न्यू फिस्ट की स्किन देखने को मिलेगी। तो मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा देता हूँ उस फिस्ट स्किन का कैसा लुक है और कैसी देखने में लगेगी। तो गाइस, यहाँ पर आप सब देख सकते हो न्यू वाली फिस्ट की स्किन कुछ इस टाइप से लगने वाली है। तो यहाँ पे देख लो, बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया, शार्प वार्प कर दिया है वीडियो को, तो आप सब बिल्कुल क्लियर देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो कितनी मस्त स्किन लग रही है, मतलब ये पहले जैसी और ज़्यादा एनिमेशन दिए गए हैं, और साथ में अगर आपको जैसे पंच मारोगे तो बिल्कुल रेड कलर का आएगा। तो यहाँ पे देख लो, बिल्कुल मस्त वाली स्किन दी गई है फिस्ट की, तो कतई जहर लग रही है मेरे को। ये शायद से आपको वैसी इवेंट देखने को मिलेगा जैसे आप सभी को प्लिंको इवेंट देखने को मिला था। तो गाइज़, यहाँ पे देख लो ऐसी स्किन लगने वाली है, और साथ में अपनी एक मतलब विंटर की भी स्किन आएगी। तो देखते हैं दोनों में से कौन सी पहले स्किन आएगी। तो मतलब सबसे पहले तो विंटर वाली आएगी, उसके बाद ही मेरे को लगता है ये वाली स्किन आएगी। अब भाई लोग, बात कर लेते हैं अपने गेम में कुछ न्यू वेपन की स्किन आने वाली है। तो गाइज, जैसे कि अभी पता है कि आप सभी को कि थॉम्सन की न्यू गन की स्किन आई है, उसी तरीके से अपने गेम में एक न्यू M8 2B की स्किन आने वाली है। तो यहाँ पर आप सब देख सकते हो M8 2B का कुछ ऐसा लुक होने वाला है। तो यहाँ पे येलो कलर इसे भी दिया गया है। तो अपने वेपन रॉयल में तो अभी थॉम्सन की गन की स्किन चल रही है, तो मतलब ये वाली स्किन आप सभी को फेडेड व्हील में जल्द देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख लो, फेडेड व्हील में आप सभी को मिल जाएगा जैसे ही कैरेक्टर रॉयल जाएगा। तो कुछ मस्त सी स्किन लग रही है, मतलब M8 2B की स्किन ज़्यादातर दिखाने के लिए ही बनाई जा रही है, क्योंकि गाइज इसके मतलब एट्रीब्यूट्स तो होते नहीं हैं। तो बढ़ते अपनी नेक्स्ट स्किन की तरफ, जो कि अपनी M4A1 की स्किन। तो भाई लोग, इसमें सिंगल डैमेज दे रखा है, और नीचे के एट्रीब्यूट्स मेरे को समझ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो ब्राज़ील सर्वर में लिखे हुए हैं। तो आप मेरे को बताना, अगर आपको ब्राज़ील लैंग्वेज आती है तो मेरे को कन्वर्ट करके ज़रूर से बताना। तो भाई लोग, कुछ ऐसी स्किन होने वाली है। तो बिल्कुल इन्होंने लुक ही चेंज कर दिया M4A1 का, तो मतलब आप सभी को ये फ्री में मिल जाएगी। तो भाई, अपना रिएक्शन ज़रूर से बताना कमेंट में, कि अगर आपको ये फ्री में स्किन मिल जाए तो आपका रिएक्शन क्या होगा। तो भाई लोग, इसकी मतलब एट्रीब्यूट्स की बात की जाए, तो इसमें फायर रेट डबल है और डैमेज सिंगल प्लस है, और लास्ट में पता नहीं क्या ब्राज़ील की लैंग्वेज दे रखा है। तो मतलब ये समझ नहीं आ रहा, आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर से बताना कि ये ब्राज़ील की लैंग्वेज में क्या लिखा है।
तो भाई लोग अपने गेम में एक न्यू इवेंट आने वाला है 1 जनवरी के बाद, शायद से आप सभी को ये देखने को मिल जाएगा। उसमें आप सभी को फ्री में गन की स्किन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे कुछ गन की स्किन दे रखे हैं, तो उनमें से आप सभी को एक गन की स्किन बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगी। तो देखते हैं ये वाला इवेंट कब तक आएगा। तो भाई लोग अपना नेक्स्ट वेपन रॉयल देख लेते हैं कि अपना नेक्स्ट वेपन रॉयल में कौन सी गन की स्किन आने वाली है। तो भाई लोग अपने नेक्स्ट वेपन रॉयल में फार्मर्स की स्किन आने वाली है। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो कुछ ऐसी फार्मर्स की स्किन लगने वाली है। तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताना ये आपको फार्मर्स की स्किन कैसी लगी। और भाई बात कर लेते हैं अपनी ईवो स्कार के बाद। तो भाई लोग आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो अपने बरमुदा रिमास्टर मैप के साथ एक मिली वेपन भी आएगा और साथ में आपको ईवो स्कार भी देखने को मिल जाएगा अपने गेम में। तो बेसिकली ये ईवो स्कार की स्किन ये 4 कलर में दी गई है। पहली स्किन है रेड कलर में, दूसरी है पिंक और तीसरी है ग्रीन और लास्ट है अपनी ब्लू कलर में। तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताना इन चारों गन स्किन में से आपको कौन सी गन स्किन बेस्ट लगी और किसका एनिमेशन आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। तो भाई लोग बात कर लेते हैं ये जो अपनी ईवो स्कार है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी। तो भाई मेरे को जैसा लगता है कि मतलब ये आप सभी को इनक्यूबेटर में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि गाइस ये मतलब ये 4 कलर में दी गई है और इनक्यूबेटर में होता है ऐसा कि 3 से ज़्यादा आइटम होते हैं, तो ये आपको इनक्यूबेटर में देखने को मिल। तो भाई लोग आप सब कमेंट करके ज़रूर से बताना कि ये स्कार की स्किन आपको कौन से इवेंट में देखने को मिल सकती है। और भाई लोग अब बात कर लेते हैं कन्फर्म टुनाइट अपडेट के बारे में। तो जैसे कि आप सभी को पता है रात के 12 बजे आता है एक न्यू इवेंट और एक अपडेट आता है, ठीक है। तो आप सभी को पता है बहुत से बंदे लोग यूट्यूबर लोग बना देते हैं इसके ऊपर वीडियो 9:30 बजे, तो आपको भी 9:30 बजे आपको कम्युनिटी पोस्ट में टुनाइट अपडेट मिल जाएगा। क्योंकि गाइज अगर मैं वीडियो बनाऊंगा रात को तो मतलब बंदे लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि उनका नेट ख़त्म भी हो जाता है, मतलब उन्हें चाहिए क्विक अपडेट, मतलब वो इतनी बड़ी वीडियो देख नहीं पाते, 2 से 3 मिनट की वीडियो, मतलब उन्हें गेम भी खेलना होता है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको डेली कम्युनिटी पोस्ट में टुनाइट अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो भाई लोग यही है कुछ न्यू ट्राई करने का मैंने कोशिश किया है। भाई लोग अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट इवेंट के बारे में और भाई ये लास्ट इवेंट होने वाला है, तो भाई इसे भी देखते हुए जाना। तो भाई लोग अपने गेम में एक न्यू पेट आने वाला है जिसका नाम है बीस्टर्न। तो भाई लोग इसकी एबिलिटी में आप सभी को सबसे पहले समझा देता हूँ। तो भाई ये पेट मतलब आप सभी की हेल्प करेगा, अगर आप एनिमी से दूर हो तो आप ग्रेनेड से मार सकते हो, मतलब आपकी जो ग्रेनेड है मतलब आप जैसे फेंकते हो ग्रेनेड तो मतलब कुछ ही दूरी तक जाता है, आगे तक नहीं जाता है, तो इस पैट की मदद से आप दूर तक ग्रेनेड को फेंक सकते हो। तो मतलब ब्राज़ील में एक मतलब इसका एक इवेंट चला है जिसमें आपको 10,000 शेयर करने हैं, तो शेयर करने के बाद आप सभी को ये पैट फ्री में देखने को मिल जाएगा। तो मतलब अपने इंडिया में आएगा तो इस पर तो मतलब 1-2 लाख आराम से शेयर हो जाएंगे, तो मतलब ये शेयर में आता है तो आपको फ्री में देखने को मिल सकता। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक न्यू टुनाइट अपडेट की वीडियो के साथ। और भाई लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और भाई वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना, और अगर आप न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी याद से कर लेना, क्योंकि मैं देखता हूँ आप सब वीडियो देख के चले जाते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और भाई लोग आज जो वीडियो की क्वालिटी है तो भाई उसमें बताना कि मेरे को क्या चीज़ और इम्प्रूव करनी चाहिए जिससे मेरी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। आप सब मेरे को बताना कि मेरे को और क्या चीज़ अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी जिससे मेरी और वीडियो चले।